तो गाइस जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला म्यूज़िक जॉनर है आज के टाइम में वो है हिप हॉप। अगर हिप हॉप की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं, वो है कमर्शियल रैपर्स। आई एम श्योर आप लोग भी हमेशा ये सोचते होंगे कि ड्रेक हो गए या फिर इंडिया से बादशाह रफ्तार या हनी सिंह हो गए, ये किस तरह से अपने सॉन्ग्स को इतना कैची, इतना कमर्शियल बना लेते हैं, वैसी कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी टेक्निक्स जो एक सॉन्ग को बना देती हैं कमर्शियल सॉन्ग। इट्स योर बॉय सुल्तान एंड यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप। सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद This one. सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ सिंपल और इजी 9 टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगी आपका कमर्शियल सॉन्ग लिखने में, उसे डिज़ाइन करने में, उसे प्रोड्यूस करने में। सबसे पहले टिप जिसका आपको ध्यान में रखना है वो है आपकी बीट। आपको अपनी बीट काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव, काफ़ी ज़्यादा डोप बनवानी है। या तो आप इसे ऑनलाइन कहीं से लेते हैं, किसी वेबसाइट से लेते हैं या यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, या फिर आप अगर इसे बनाते हैं किसी अपने दोस्त के साथ या किसी प्रोफेशनल प्रोड्यूसर के साथ, तो आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो सिंपल सी बात यह है कि उस बीट में कुछ ना कुछ ऐसा नोटिसेबल रिमार्केबल एलिमेंट हो। नोटिसेबल और रिमार्केबल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसका सिंपल सा एग्जांपल मेरे सामने आता है, क्लासिक बीट है डॉक्टर ड्रे स्टिल। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस बीट को आप कैसे, मतलब आपको उस बीट में क्या याद है, तो आप उस बीट का जो एलिमेंट है, जो उसका प्राइमरी एलिमेंट है, आप उसे गाकर मुझे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैन 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 क्लैन, राइट। आपको ये जो उस बीट का ये एलिमेंट है, जो इसका रिफ है, वो रिफ आपको हमेशा याद में रहता है, आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। साथ ही साथ अगर जो दूसरा एग्जांपल है वो हो सकता है अपना 50 सेंट का इन द क्लब, टंग डंग 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 टंग डंग, तो एग्जैक्टली आपको बीट की भी मेलोडी याद है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में से समझाऊँ तो बॉलीवुड का एग्जांपल देता हूँ, तो आशिकी मूवी का जो टाइटल ट्रैक था मेरी आशिकी तुम हो, उसकी स्टार्टिंग की कॉम्पोजिशन आपको याद होगी, टंग 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 टंग, तो वो चीज़ भी काफ़ी नोटिस में आई थी, वो लोगों को काफ़ी याद रही है वो चीज़। तो ऐसी ही कोई एक एलिमेंट आपकी बीट के अंदर होना चाहिए जो लोगों को काफ़ी टाइम तक याद रहे, और वोकल्स तो लोगों को याद रहे, मेलोडीज तो याद ही रहे, साथ ही साथ बीट भी लोगों को आपकी याद रहे। सो गाइस किसी भी गाने को जो चीज़ कैची बनाती है वो होता है उसका हुक लाइन, जो सबसे ज़्यादा टेंशन में आता है, जो रिपीटेडली बार बार आपको प्ले करके सुनाया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो सबसे कैची पार्ट होता है आपके सॉन्ग का, वो आपके सॉन्ग की सोल होती है। तो इसमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो हुक लाइन है वो आपके सॉन्ग के स्टार्टिंग के 30-40 सेकेंड्स के अंदर आ जाना चाहिए। यस, बिटवीन 30-40 सेकेंड आपका हुक लाइन जो है आपके सॉन्ग का वो इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए आपके ऑडियंस के पास। अगर आप वर्ल्ड वाइड किसी भी बड़े कमर्शियल ट्रैक को लेते हो या फिर कमर्शियल रैपर्स को लेते हो, तो इनकी एक टेक्निक्स होती है कि इनके जो स्पेशली जो 30-40 सेकेंड्स होते हैं स्टार्टिंग के ही, इसी में ही वो अपने हुक लाइन को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। स्पेशली विद ड्रेक, अगर आप ड्रेक के सॉन्ग सुनते हो तो उसके जितने भी कैची हुक लाइंस होते हैं वो 30-40 सेकेंड गाने के स्टार्ट होते ही वो उन्हें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंडिया में भी जितने कमर्शियल रैपर्स हैं, चाहे बादशाह हो चाहे बाकी आर्टिस्ट भी हो, तो इनके साथ भी यही टेक्निक ये लोग यूज़ करते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग के 30-40 सेकेंड के अंदर अपने गाने की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कैची लाइंस है, जो हुक लाइन है, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो गाइस हुक डिज़ाइन करते हुए जो नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है हुक की रिपीटेशन पे। नॉर्मली जितने भी कमर्शियल ट्रैक्स होते हैं उसमें हुक 3 बार आता है, स्टार्टिंग में, एंड में और बीच में, 2 वर्सेस के बीच में। तो आपको भी कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका हुक कम से कम 3 बार आपके सॉन्ग के अंदर आ जाना चाहिए अगर आप बना रहे हैं कमर्शियल ट्रैक। अब हमने हुक की बात कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट द वर्सेस, जो आप अपने रैप वर्सेस या फिर अपने सॉन्ग के जो वर्सेस लिख रहे हैं उस पर आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप रैप वर्सेस लिख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कमर्शियल आर्टिस्ट जितने भी होते हैं उन्होंने ये ब्रेक थ्रू किया है कि जो क्लासिकल रैपर्स थे हमारे, जो क्लासिक रैपर्स थे हमारे, जो ओल्ड स्कूल रैपर्स थे, वो 16 बार्स के रैप डिलीवर करते थे वर्सेस में। बट अब जो न्यू स्कूल रैपर्स हैं इन्होंने ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंगली की है कि वो 8 या 12 बार्स ही यूज़ करते हैं, कभी कभी तो सिर्फ 4 बार्स का ही रैप वर्स अपना ड्रॉप करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ड्रेक की, तो ड्रेक नॉर्मली अपने रैप सॉन्ग्स के अंदर 8 से 12 बार्स के वर्सेस को ही यूज़ करते हैं। बात करते हैं बादशाह की, तो बादशाह के अगर आप गाने सुने, अगर हम बात करते हैं डीजे वाले बाबू, तो उसमें जो रैप वर्स है उनका वो सिर्फ 12 बार्स का है, दैट्स नॉट ए कंप्लीट 16 बार वर्स। इसकी वजह से गाना सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, रैप की जो मोनोटोनस टोन आ जाती है 16 बार्स में काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप 12 बार्स को इंटरेस्टिंगली फटाफट बोलते हो तो वो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गेंदा फूल की, जो काफ़ी मैसिव हिट हुआ है बादशाह का, उसमें भी
आठ आठ बार्स के दो अलग अलग वर्सेज आते हैं, तो कंप्लीट 16 बार का वर्स एक बारी में नहीं आता है, जिसकी वजह से सुनने वाले को सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो उससे बोर नहीं होता है, कोई मोनोटोनी नहीं आती है, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है। सो गाइस, आई एम श्योर जब आप अपनी बीट पे काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बीट के बीच में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो डेड साउंड कर रहे हैं या थोड़ा सा लाइवली फील नहीं दे रहे हैं आपको, तो वहाँ पर आप अपने ट्रेडमार्क या फिर आपके अपने सिग्नेचर आप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बादशाह करते हैं, इट्स अ बॉय बादशाह, तो इस तरह से आप भी कुछ इंट्रोडक्शन वाली चीज़ वहाँ पर अपना ट्रेडमार्क कुछ वहाँ पर डाल सकते हैं। अगर तो गाइस इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो हमिंग, हमिंग भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है, जहाँ पे आपकी डेड बीट्स है, जहाँ पर आपका डेड स्पेस है, जहाँ पर कुछ लाइवली नहीं हो रहा है बीट के अंदर, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो हमिंग। ये एक अलग ही डायमेंशन में लेकर जाती है वोकली, आप जो आपका म्यूजिकली डेड पार्ट है आप उसे वोकली कंपनसेट करते हो और आप हमिंग से उसे और इम्प्रूव कर लेते हो। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एडलिब्स, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं रैप्स में और हुक लाइन के बीच में, जहाँ पर आपको एडलिब्स आप यूज़ करके उसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो ये कुछ टिप्स आप कमर्शियल रैपर्स जो यूज़ करते हैं आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अपनी डेड बीट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने हुक लाइंस को, अपने वर्सेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्रिजेस। ब्रिजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखो कमर्शियल रैप्स, तो वहाँ पर छोटे छोटे चार चार लाइंस के, चार चार बार्स के ब्रिजेस होते हैं, जो काफ़ी तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं और वो सुनने में भी बोर नहीं लगते और एक नया डायमेंशन लेकर आते हैं आपकी बीट्स के ऊपर, जब आप उसे पूरा कंप्लीट सुनते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम डीजे वाले बाबू गाने की बात करें, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट आता है जो बार्स होती है, जो ब्रिज आती है, वो ये है, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूँ, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूँ, गाना बजा दूँ। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो ब्रिज है, ये बेसिकली ना तो कंप्लीट हुक लाइन है ना कंप्लीट वर्स है आपका, बट इन दोनों को बीच में कनेक्टिंग वर्स है, एक छोटा सा ब्रिज है, क्योंकि ये आपको एक नया इसमें कंपोजिशन आई है जिसकी वजह से गाने में एक नई नई फ्रेशनेस आती है। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स में, ब्रिज को हमेशा इंट्रोड्यूस कीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि आपके जो रैप है और आपके जो रैप वर्सेस है और जो आपके हुक लाइन है, उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ कनेक्टिंग फैक्टर चाहिए, या फिर आपकी बीट काफ़ी ज़्यादा डेड है तो आप उसे लाइवली बनाने के लिए ब्रिजेस को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जो लास्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट्स रिलेटेड विथ अ स्मॉल कोलैबोरेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है और अभी भी उसमें कहीं ना कहीं कमर्शियल फील नहीं आ रही है, थोड़ा कैची नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं बन पा रहा है, तो आपको उसमें यूज़ करने हैं फीमेल वोकल्स। अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी और रैपर के साथ, किसी और सिंगर के साथ, किसी वेस्टर्न सिंगर के साथ, तो ट्रस्ट मी, आपका जो साउंडस्केप आप डिज़ाइन करते हो वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल होने वाला है। काफ़ी टाइम से ये टेक्निक्स जो है काफ़ी सारे रैपर्स यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आप बात करो एमिनम के, तो एमिनम के जितने भी मेजर हिट सिंगल्स हुए हैं स्टार्टिंग से ही, उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें फीमेल रैपर्स को इंट्रोड्यूस किया है वो कमर्शियल एंगल देने के लिए। रिहाना के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया और बाकी भी फीमेल रैपर्स के साथ उन्होंने काम किया। ड्रेक ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ड्रेक के मैक्सिमम जो सिंगल्स होते हैं वो उसमें वो कहीं ना कहीं एक फीमेल कोलैबोरेशन लेकर आते हैं ताकि वो सिंगल और कैची साउंड करे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बादशाह के मेजर सिंगल्स में आपको हमेशा एक फीमेल वोकल मिलेगा। योजो हनी सिंह के रैप सॉन्ग्स के अंदर, उनके जो कमर्शियल सॉन्ग्स होते हैं उसके अंदर फीमेल वोकल्स आपको मिलेगा। बेसिकली ये होता ये है कि एक जो मेल रैपर होता है या फिर मेल एक सिंगर जो है, उसकी वॉइस में जो होते हैं वो जो लोज होते हैं, लो फ्रिक्वेंसीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो एक फीमेल आर्टिस्ट होती है उसकी वोकल्स में हाई फ्रिक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब भी आप एक गाना बनाते हो तो कंप्लीट सॉन्ग बनाने के लिए आपको इन दोनों फ्रिक्वेंसीज का एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बैलेंस आ जाता है, जब आप उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के डायमेंशंस ऐड कर लेते हैं, वोकल डायमेंशंस ऐड कर लेते हो, तो इंटरेस्टिंग साउंड आने स्टार्ट हो जाती है, वो प्रोड्यूस आपकी हो जाती है, सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, कैची चीज़ आपकी बन जाती है और आपका सॉन्ग ज़्यादा कमर्शियल और कैची साउंड करना स्टार्ट कर देता है। सो गाइज, आई एम श्योर आपको आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस एपिसोड से। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और वो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं फटाफट आपके लिए वीडियोज लेकर आऊँ। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन, लव एंड पीस।